नमस्कार दोस्तों, सी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं रजनीश कुमार और भारतीय संविधान पे हमारा ये 13वां लेक्चर है और इसमें हम भारत के उपराष्ट्रपतियों के बारे में पढ़ रहे हैं कि उपराष्ट्रपति के लिए जो भी संविधान में व्यवस्था की गई है उस बारे में हम पढ़ेंगे। तो भारत का जो उपराष्ट्रपति है उसके बारे में अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति की व्यवस्था की गई है संविधान में। अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। तो अनुच्छेद 63 के अनुसार उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है और अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा का पदेन सभापति होने की व्यवस्था की गई है और इसके अलावा वो किसी अन्य पद पे आसीन नहीं हो सकते। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है, तो जो ये व्यवस्था है ये अमेरिका के संविधान से ली गई है। उपराष्ट्रपति दिल्ली विश्वविद्यालय का पदेन कुलपति होता है। राज्यसभा सदस्य नहीं होने के कारण उपराष्ट्रपति को मत देने का अधिकार नहीं होता है, लेकिन वो निर्णायक मत दे सकते हैं। अगर कभी किसी ऐसे मुद्दे पे जहां पे निर्णायक मत देना होता है तो वहां पे उपराष्ट्रपति अपना निर्णायक मत दे सकते हैं एज ए राज्यसभा के सुप्रीमो होने के नाते, राज्यसभा के सभापति होने के नाते। यदि राष्ट्रपति पद की रिक्तता, राष्ट्रपति की मृत्यु हो, महाभियोग संकल्प पारित हो, स्वयं पद से त्याग पत्र दे दे या पद से हटाए जाए तो राष्ट्रपति के रूप में अपना कार्य करने में असमर्थ है राष्ट्रपति अगर, तो उस समय में अनुच्छेद 65(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है और उसे राष्ट्रपति की सारी सुविधाएं दी जाती हैं। अनुच्छेद 65(3) के अनुसार राष्ट्रपति के चयन तक वो पद पे बना रहता है और ऐसी स्थिति 6 महीने से अधिक नहीं हो सकती है। अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, हटाया जाता है, कुछ भी इस तरह की घटना होती है तो उसके बाद वहाँ पे से जहाँ से उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है तो वहाँ से 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए और इस दौरान जो उपराष्ट्रपति है उसको राष्ट्रपति का वेतन, राष्ट्रपति के भत्ते और राष्ट्रपति का आवास, सारी सुविधाएं जो राष्ट्रपति को मिलती हैं वो मिलेंगी। उपराष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तो अनुच्छेद 66(3) में उपराष्ट्रपति पद के लिए निम्नलिखित निर्धारित की गई योग्यताएं हैं। पहला है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत में किसी भी बड़े पद के लिए बहुत जरूरी है कि वो भारत का नागरिक हो, अपनी आयु 35 वर्ष पूरा कर चुका हो। तो सदस्य जो व्यक्ति जो भी राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ना चाहता है तो वो 35 वर्ष से ऊपर होना चाहिए। राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो तो राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता भी होनी चाहिए। संघ सरकार किसी राज्य या उसके अधीन किसी स्थानीय संस्था ये आदि का वेतनभोगी कर्मचारी संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता है, मतलब किसी भी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए सरकार के अधीन। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यों के विधानमंडल भाग नहीं लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों के विधानमंडल भाग लेते हैं लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में नहीं लेते हैं। निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्य, निर्वाचित और मनोनीत भी, मतलब लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी निर्वाचित सदस्य हैं जो वो भी, और जो मनोनीत सदस्य हैं वो भी भाग लेते हैं। निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति चुनावों में उत्पन्न विवादों का निर्णय उच्चतम न्यायालय करता है, तो अगर उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई दिक्कत आती है, कोई विवाद होता है तो उसका निर्णय उच्चतम न्यायालय करता है। उपराष्ट्रपति के पद की अवधि, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन 5 वर्ष के लिए किया जाता है। उपराष्ट्रपति 5 वर्ष की अवधि पूर्ण होने से पूर्व भी अपना पद त्याग सकता है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंप कर राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव पारित करके पदमुक्त किया जा सकता है। उपराष्ट्रपति या तो अपना त्याग पत्र दे सकता है या राज्यसभा द्वारा अगर प्रस्ताव पारित किया जाता है तो उपराष्ट्रपति अपने पद से मुक्त हो जाता है। उपराष्ट्रपति को हटाए जाने का प्रस्ताव राज्यसभा में लाए जाने से पूर्व उसकी लिखित सूचना 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को भेजनी पड़ती है। अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है तो इसकी कार्यवाही राज्यसभा में होती है और अगर हटाना है तो उससे 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को इस चीज़ की सूचना दी जाती है कि उनको हटाया जा रहा है। और उपराष्ट्रपति पद पे कोई महाभियोग नहीं लगाया जाता है। जिस तरह से राष्ट्रपति के पद पे महाभियोग लगाया जाता है उस तरह से भारत के उपराष्ट्रपति के पद पे कोई महाभियोग नहीं लगाया जाता है। शपथ ग्रहण, वेतन एवं भत्ते, अनुच्छेद 69 के तहत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के सम्मुख पद गोपनीयता की शपथ ले सकता है और शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करता है। तो उपराष्ट्रपति या तो राष्ट्रपति के सामने या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के सम्मुख पद और गोपनीयता की शपथ लेता है। अनुच्छेद 97 के अनुसार उपराष्ट्रपति अपने पद पर वेतन ग्रहण नहीं करता है बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन ग्रहण करता है, मतलब जो उपराष्ट्रपति है उनके नाम की कोई सैलरी नहीं मिलती है, राज्यसभा के सभापति की सैलरी उनको मिलती है। उपराष्ट्रपति का वेतन, जो मूल वेतन है वो 1,25,000 है
और बाकी भत्तों को मिला के ये 4-4.5 लाख से ऊपर चले जाता है। यह वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। उपराष्ट्रपति के वेतन एवं भत्तों को उसकी पद अवधि के दौरान घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता है। तो यही शर्त है राष्ट्रपति के भी पद पे भी लागू हो रही थी कि उनके वेतन और भत्तों को कम नहीं किया जा सकता है। तो ऐसा ही कम या ज़्यादा भी नहीं किया जा सकता है, तो ऐसा ही उपराष्ट्रपति के पद पे भी लागू होता है। पदावधि के दौरान मृत्यु या पदावधि की समाप्ति की स्थिति में पारिवारिक पेंशन, आवास और चिकित्सा सुविधाओं का प्रावधान है। अगर उपराष्ट्रपति रिटायर हो जाते हैं तो उनको पेंशन मिलती है, आवास की सुविधा मिलती है, चिकित्सा की सुविधा मिलती है सरकार की तरफ से। और अगर उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को ये सारी सुविधाएं मिलेंगी, पारिवारिक पेंशन, आवास और चिकित्सा सुविधाएं। तो ये भारत के उपराष्ट्रपतियों के फोटो हैं, इसमें जितने उपराष्ट्रपति हुए हैं वो सारे दिखाए गए हैं। तो दोस्तों ये लिस्ट है भारत के उपराष्ट्रपतियों की। पहले थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, तीसरे थे वी वी गिरी, चौथे थे गोपाल स्वरूप पाठक, पांचवें थे बी डी जती, छठवें थे न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला, सातवें थे आर वेंकट रमण, आठवें थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, नौवें थे के आर नारायणन, दसवें थे कृष्णकांत, ग्यारहवें थे वैरव सिंह शेखावत, बारहवें थे हमीद अंसारी, तेरहवें भी हमीद अंसारी थे, और चौदहवें हैं मुप्पू परुवप्पू वेंकैया नायडू, मतलब एम वेंकैया नायडू, जो अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। तो इन उपराष्ट्रपति जो हमारे उपराष्ट्रपति हुए हैं इन पे हम एक अलग से लेक्चर लेके आएंगे इनके कार्यकाल के बारे में और इनके इनके बारे में जो ब्रीफ डिटेल होती है। तो इसके अलावा हम इसमें अगले लेक्चर में जो संविधान पे हमारा लेक्चर चल रहे हैं अगले लेक्चर में हम प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।